हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोबिया फातिमा। आई एम एमबीबीएस सेकंड प्रोफेशनल स्टूडेंट फ्रॉम नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। सो आज का ये वीडियो जो हम बनाने वाले हैं, बेसिकली क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है 26 नवंबर से, तो आजकल सिर्फ हम पढ़ रहे हैं हॉस्टल में, तो इस वीडियो में हम बेसिकली अपना डेली रूटीन दिखाना चाहते हैं एग्ज़ाम टाइम का, कि हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं कहाँ जाकर पढ़ रहे हैं। तो ये दिन से रात तक का मेरा आज का डेली व्लॉग रहेगा। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस टाइप की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिएगा, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए। एंड ठीक है, फिर लेट्स बिगिन। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बज चुके हैं सुबह के 7 और हम उठ चुके हैं और हम फ्रेश हो जाएंगे नहा धोकर, फिर हम लाइब्रेरी जाएंगे। ये हम कैसे लग रहे हैं सुबह से उठ के, बहुत ही गंदे लग रहे हैं। सो अब हम गरम कर रहे हैं पानी, इसमें डालेंगे फिर हनी और नींबू डालेंगे। आपको देखकर लग रहा होगा मेरे इसके डिज़ाइन से कि इसमें आइस है, बट इसमें गरम पानी है एंड वो बिल्कुल भी उतना टेस्टी नहीं लगता, बट सेहत के लिए अच्छा है तो हम हर सुबह इसको पीते हैं। गरम पानी पीने के बाद अब हम खाएंगे सेब, क्योंकि अभी हम नाश्ता में इतना ही करते हैं, उसके बाद फिर 1 बजे तक लंच कर लेते हैं। सो अब हम जाएंगे लाइब्रेरी और वहाँ जाकर अभी दिन में फार्मा पढ़ेंगे, फिर शाम में शायद माइक्रो पढ़ेंगे। अब हम निकल रहे हैं रूम से, अभी बज रहा है 9, रूम लॉक कर दिए। थर्ड फ्लोर पे, जैसा कि आप सब जानते हैं पहले व्लॉग में हम बताए हैं कि हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं पानी भरने, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे आर ओ सिस्टम की हालत कितनी अच्छी है, इसके नल का आप कील देख लीजिए, इसी से पानी भरेंगे हम। सो अब हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि पानी भर लिए हैं एंड अब सीढ़ी उतरना है थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर। हाँ, ये है ग्राउंड फ्लोर पे। अब हम चाहते हैं कि आप देखें मेरा नया स्कूटी या वहाँ फसीनो जो हम लिए हैं बस कुछ ही, मतलब 15 दिन आई गेस हो गया होगा कुछ टाइम पहले, एंड बहुत टाइम से हम दिखाना चाहते थे। आप देख लीजिए मेरी नई स्कूटी जो हम खुद से ख़रीदे हैं, एंड अभी तो फ़िलहाल इसको नहीं चलाएँगे, अब जा रहे हैं लाइब्रेरी, अभी एग्ज़ाम दे लें तब आराम से इसको चलाएँगे। तो अब हम लाइब्रेरी की ओर बढ़ रहे हैं, ऑफिस में घुस नहीं जा रहे हैं। ये बिल्डिंग देखे भी होंगे आप पहले ब्लॉग में, घुसते हुए लाइब्रेरी में। बहुत ज़्यादा पढ़ना है जी, 26 एग्ज़ाम है एंड अभी सब मेरे बैचमेट सब पढ़ाई कर रहे हैं। लाइब्रेरी फर्स्ट फ्लोर पे भी है, सेकंड फ्लोर पे भी, ये फर्स्ट फ्लोर वाली है बट हम अभी सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, सेकंड फ्लोर पे पढ़ेंगे। सो पढ़ाई की बात हो रही है तो आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो मीन वाइल आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस न्यू थिंग जो प्रेप लैडर लेकर आया है आप सबके लिए। आई मीन देखिए, हम तो खुद प्रेप लैडर यूज़ करते ही हैं, उसका वीडियो भी देखते हैं, मेरे पास नोट्स भी है, बट जो नहीं यूज़ करते हैं उनको अगर हम ऐसे बोलेंगे भी तो हो सकता है उनको डाउट हो या लगे कि पता नहीं कैसा होगा या कुछ। सो इसीलिए प्रेप लैडर फ्री एक्सेस लेकर आया है टू ऑल दी 19 सब्जेक्ट्स फॉर मेडिकल पीजी प्रिपरेशन, कि एक बार आप लोग खुद से वो यूज़ करके देख लीजिए, उसका वीडियोस देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि ये कैसा है, उसके बाद आप अपना थॉट लगाइएगा कि आपको ख़रीदना है या नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड कौन कौन से डेट पर कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो भी हम आप सबको बता देते हैं। एंड ये जो फ्री एक्सेस है वो डेज वाइज डिवाइडेड है हर सब्जेक्ट का, एंड आपको 24 आवर्स मिलेगा फ्री एक्सेस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। उस दिन के उस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स का आपको फ्री एक्सेस मिलेगा, आप जो भी चाहें जहां से भी चाहें पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 19th नवंबर को एनाटमी, 20th नवंबर को डर्माटोलॉजी, 22nd नवंबर को PSM, 23rd नवंबर को एनेस्थेशिया, 25th नवंबर को फार्माकोलॉजी, 26th नवंबर को ENT, 28th नवंबर को पैथोलॉजी, 29th नवंबर को फिजियोलॉजी, 1st दिसंबर को गायनेकोलॉजी, 2nd दिसंबर को पीडियाट्रिक्स, 4th दिसंबर को सर्जरी, 5th दिसंबर को साइकैट्री, 7th दिसंबर को ऑर्थोपेडिक्स, 8th दिसंबर को ऑप्थाल्मोलॉजी, 10th दिसंबर को माइक्रोबायोलॉजी एंड 12th दिसंबर को FMT। तो ऑलमोस्ट आपको मतलब सारी की सारी जितनी भी 19 सब्जेक्ट्स हैं सब इन दिनों में आपको कवर हो जाएंगी पर्टिकुलर डे पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फ्री एक्सेस। सो अगर ये फ्री है तो हम बोलेंगे कि अगर आपके पास नहीं है सब्सक्रिप्शन तो आप ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा एंड यूज़ करिएगा इसका फ्री ऐप, एंड फिर जाके बताइए कि आपको कैसा लगा है, एंड अगर आपको मन करेगा देन आप ड्रीम पैक इसका परचेज कर लीजिएगा, अगर आपको लगे सेटिस्फाई हो आप कि हाँ अच्छे से समझा रहे हैं। और इसमें आपको क्या क्या फ्री एक्सेस मिलेगा,
वीडियो लेक्चर्स का फ्री एक्सेस मिलेगा, सारे क्वेश्चन बैंक्स का फ्री एक्सेस मिलेगा, अच्छे नोट्स का जो हम जिसे हम पढ़ते हैं उसका फ्री एक्सेस मिलेगा। सो देर किस बात के, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और उसमें ब्लॉग का भी लिंक है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा एंड ऐप डाउनलोड करके यूज़ करिए। तो आगे बढ़ते हैं। सो अभी बज रहा है 9:15 और हम आ चुके हैं अपने टेबल पर, सेकेंड फ्लोर पर। अभी ऑलमोस्ट कोई नहीं आया है क्योंकि थोड़े दिन है, और मेरा यहाँ बैग और बॉटल यहाँ पर है। अभी हम फार्मा पढ़ेंगे, तो हम बुक निकाल रहे हैं, शैनबग निकाल रहे हैं, केरिटी नहीं है मेरे पास। एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा स्टैंडर्ड बुक निकालने में डर लगता है। ये वेब लैडर का नोट्स है, साथ ही साथ मेरा एक छोटा सा कॉपी है जिसे हम कुछ लिख लेंगे, शैनबग की बुक है जिससे हम एग्ज़ाम टाइम पर स्पेशली पढ़ते हैं। उसके अलावा ये तो हमारी जान सेकंड है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बिना एग्जामिनेशन देना अधूरा है, यूनिवर्सिटी इसके बिना तो दे ही नहीं सकते हैं, कुछ लोग तो इसी के भरोसे देते हैं। और अब हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू कर दिए। ये टाइम लैप्स वीडियो आ गई मेरी पढ़ते हुए। कितना सीरियसली पढ़ रहा है, एग्ज़ाम है भाई, पढ़ना तो पड़ता ही है। मेहंदी जो मेरे हाथ में दिख रहा है खुद से लगाए थे। पीछे एसी है लेकिन एग्जाम टाइम तो नहीं चला रहा है। अब खाना का टाइम हो गया, 1 बज गया, तो अब जा रहे नीचे, खाना खा लेंगे। खाना से याद आया मेरा मेस शायद ऑफ, देखते हैं। बॉयज़ हॉस्टल से टिफ़िन में लेते हैं तो मेस शायद ऑफ है, तो आज हम गर्ल्स हॉस्टल के ही मेस पर वापस आए हैं जो हम फर्स्ट डे में लेते थे। आप देख सकते हैं ये गर्ल्स हॉस्टल का मेस है और यहाँ पर लंच लगा हुआ है, तो अभी 45 रुपया देकर हम अभी का लंच ले लेंगे। यहाँ पर लंच हमको मिल गया और हम जैसे तैसे मतलब खा रहे हैं, टेस्टी तो नहीं है, राजमा है, फिर भुजिया है, ठीक ठाक ही है, बस खा लेना है, पेट भर लेना है जैसे भी। हाँ, लिए जा रहे हैं अपने रूम में, फाइन थोड़ा आराम करेंगे, बहुत ऊपर भाई थक जाते हैं। सो ये मेरा रूम, शायद मेरी रूममेट अभी भी क्लास में। हम आगे अपने रूम में थोड़ी देर अब आराम करेंगे, मेरा पांडू लेटा हुआ है, मेरा पांडा। हाँ लेटे रहो, हाय, से हाय टू माय पांडा। तो आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से एग्ज़ाम पास आ रहा है, मतलब पढ़ाई तो हो रही है, बट अब और अब ये मैं समझ रही हूँ कि वो जो इतना फास्ट वीडियो उतना कम पढ़े हैं, वो टाइम लैप्स वीडियो हम अच्छे से देर तक पढ़ें, 3-4 घंटा पढ़ें, उसके बाद आएँ खाना खाएँ। एंड हाँ, कितना भी इंसान ट्राई कर पढ़ने का, जब तक एग्ज़ाम नेक्स्ट डे नहीं होता है वो और शिद्दत वाली पढ़ाई नहीं हो पाती है, बट स्टिल हम पढ़ रहे हैं, मतलब हम सही में पढ़ रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। अभी सोच रहे हैं फिर थोड़ी देर आराम कर लें, उसके बाद जाएंगे लाइब्रेरी। थक जाते हैं गाइस, थक गया हूँ गाइस पढ़ पढ़ के, पढ़ना तो मतलब अब अच्छे से स्टार्ट किया, बट स्टिल। ये मेरा गिटार, हेलो गिटार, गिटार जो है मेरा रखा रहता है बेचारा, एग्ज़ाम के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, हाई ट्राइपॉड, एंड वो बस ऐसे ही सन्नाटे में रहता है और कुछ नहीं। और ये तो सब है, यहाँ पर भी अपना लैपटॉप रखे हुए हैं और अपना टेबल एक छोटू सा रखे हुए हैं जिसमें पढ़ेंगे हम, पढ़ने वाला ही माहौल बना हुआ है पूरा। रूममेट का टेबल बिहार क्लास कर रही है, फ्रिज, हाँ तो अब हम चल रहे हैं वापस से लाइब्रेरी, अब जाके हमको माइक्रो पढ़ना है, तो चलिए चलते हैं। सो माइक्रो में आज हमको वायरोलॉजी पढ़ना था, तो हम सोचे कि हम टैब से ही पढ़ लेते हैं, तो प्रेप लैडर का वीडियो लेक्चर देखते देखते पढ़ ले रहे हैं, साथ ही साथ माइक्रो की बुक भी रखे हुए हैं। एंड अभी एग्ज़ाम के टाइम तो जितना पढ़ो कम ही रहता है। सोचे नोट्स बना लेते हैं, हाँ बीच बीच में इधर उधर भी देखने लगते कौन आ रहा कौन नहीं, साथ पढ़ रहे हैं। सो अभी हम रूम में हैं लाइब्रेरी से आके और हम सोच रहे हैं कि अब क्या करें, तो अभी 8 बज रहा है, तो अभी हम थोड़ा सा डिनर कर लेंगे एंड फिर डिनर के बाद वापस से रात में पढ़ेंगे और क्या। तो अब उतना लंबा व्लॉग बन से अच्छा है हम कुछ खा लेते हैं एंड फिर हम सो जाते हैं रात में, आई गेस 12 बजे, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अब देखते हैं अगला वीडियो कब बनता है, एग्ज़ाम से फुर्सत मिले तब ना, हम सोचें कि एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस दिन हम वीडियो बनाएंगे, मतलब एग्ज़ाम का के दिन ही फर्स्ट डे,
कि कैसा लगता है जाने में, जितना व्लॉग बना सके बनाएंगे एंड फुर्सत मिलेगी तो एडिट करके उसी दिन पोस्ट कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग हमको ऑल द बेस्ट बोलिए एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 100K कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। हमको तो लग रहा है मेरे एग्ज़ाम के बीच ही हो जाएगा वो, मेरा 31 दिसंबर तक चलेगा गाइज एग्ज़ाम, ठीक है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।